सामने में फिर एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम सिलॉक्स का दो वीडियो दिए थे, एक था ओनली अ फ्यू, सेकंड भी ओनली अ फ्यू के ऊपर में था और बहुत सारा एग्जांपल देके हम आपको समझाए थे। तो आज का जो वीडियो है जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड दे रहा है अभी सिलॉक्स में, ओनली अ फ्यू और ओनली, इसमें स्टूडेंट कितना ही प्रैक्टिस करे कहीं ना कहीं जाके वो कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या नहीं होगा। तो आज हम आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड क्योंकि सिलॉक्स में भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम एक एक करके आपको समझाएंगे, फिर जाके हम ओनली के बारे में आपका कंसेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे आज, ताकि आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले इस कड़े में देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो जैसा कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है ओनली ए आर बी, उसके बाद फिर तीन दिया हुआ है, फिर ए कैन नेवर बी बी, फिर 100%, फिर 0, फिर 99%। तो प्रत्येक टॉपिक का हम एक एक करके पूरा डिटेल में जाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कंसेप्ट इसका क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है, देखिए आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ओनली ए आर बी। तो ओनली ए आर बी का मतलब क्या हुआ कि ओनली ए आर बी का जनरली मतलब क्या होता है कि रिवर्स ऑफ द बी, मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग लिखते हैं जनरली क्या, तो लिखते हैं ऑल बी आर ए। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए। तो जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए मतलब बी के पास सिर्फ ए ही पहुंच सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं पहुंच सकता है। इसका ध्यान रखिएगा कि बी के पास ए के अलावा और कोई नहीं जा सकता है, अगर कोई जाएगा तो उसके साथ उसका कट रिलेशन है, उसके साथ उसका कट रिलेशन है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दिया एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ओनली इंडियन आर क्रिकेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल इंडियन है वही क्रिकेट खेलते हैं, केवल जो इंडियन है जो भारतीय है वही क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्रिकेट है इसमें पूरा का पूरा किसका अधिकार है, इंडियन का अधिकार है, मतलब ऑल क्रिकेटर आर इंडियन, यही हुआ इसका मतलब, ऑल क्रिकेटर आर इंडियन मतलब इस क्रिकेट में जो क्रिकेट का गेम है उसमें सिर्फ एंड सिर्फ केवल और केवल भारतीयों का अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। तो अगर हमारा ओनली का केस रहे, ओनली इंडियन आर क्रिकेटर, तो इसका मतलब केवल भारतीय क्रिकेट खेलते हैं, केवल सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उसमें से सिर्फ भारतीय ही क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्रिकेट है, ये जो एक बेंचमार्क है क्रिकेट, इस पे किसका अधिकार है, तो सिर्फ भारतीयों का अधिकार है, सिर्फ इंडियन का अधिकार है, उसके अलावा किसी भी कंट्री का इस पे अधिकार नहीं है। तो अगर इसमें हमने ऐसा जोड़ दिया कि सम ए आर सी, अगर ऐसा हमने जोड़ा, मान लीजिए हमने इसको ऐसा कर दिया कि सम ए आर सी, ऐसा करके हमने उसमें डाला, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ओनली के केस में, तो अगर हमने यहाँ पे डाला कि सम ए आर सी, तो अगर यहाँ पे देखिए बी पे किसका अधिकार है, तो सिर्फ और सिर्फ ए का अधिकार है, मतलब बी जो है वो सिर्फ ए का हो सकता है, इसके अलावा किसी का नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो मतलब क्या है कि बी का बाकी के साथ आपका जो रिलेशन है वो कुछ एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे दे दे कि नो बी आर सी, देखिए इसमें नो आपको कहीं डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बोला है कि बी पे केवल किसका अधिकार है, तो ए का, किसका राइट है, तो ए का, तो मतलब बाकी जो है, बाकी सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, कुछ भी हो, उसके साथ बी का रिलेशन क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिलेशन मेरा कट जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि नो बी आर सी, तो फिर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई मेरा बी सी नहीं है। तो इसमें ओनली ए आर बी अगर रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब ऑल बी आर ए, उसके बाद उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हम उस पर क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी हम जो आपको एग्जाम्पल दिए कि ओनली इंडियन आर क्रिकेटर, तो क्रिकेट जो है उसपे सिर्फ भारतीयों का अधिकार है, तो क्रिकेटर क्या हो सकता है, सिर्फ इंडियन हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है, तो क्रिकेटर के बारे में इंडियन छोड़कर और कोई नहीं सोच सकता है। तो ओनली ए आर बी का मतलब आपका ऑल बी आर ए। इसके बारे में अभी हम और एग्जांपल देके आपको समझाएंगे, सिर्फ अभी आपको हम बेसिक दिखा रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। इसके बाद हमने तीन टॉपिक लिखा था, उसके बाद सेकेंड टॉपिक में हमने लिखा था कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, फिर दिया था कि ओनली सम ए आर बी, और दिया था फ्यू ए आर बी। अगर ये तीनों स्टेटमेंट रहे
तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका डायग्राम क्या ड्रॉ होगा सेकंड वाले का, सम एयर बी एंड सम एयर नॉट बी, सम ए आर बी और इसमें क्या है सम ए आर नॉट बी, आर नॉट बी। तो अगर ओनली अ फ्यू एयर बी लिखा रहे, सम अगर लिखा रहे कि ओनली सम एयर बी, और अगर आपका लिखा हुआ है कि ओनली फ्यू एयर बी, तो इसका मतलब हो गया सम और सम नोट का केस इसमें। तो सम एयर बी एंड सम एयर नोट बी दोनों इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद तीसरा नंबर में हम आपको तीसरा नंबर में उसमें लिखा हुआ था जो आपने बोर्ड पे देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, नेवर बी बी। अगर ये स्टेटमेंट में लिखा रहे चाहे कंक्लूजन में लिखा रहे तो इसका मतलब ही सेम ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका सम ए आर नॉट बी। मतलब क्या, तो ये पोर्शन अगर मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो कुछ पोर्शन ये पोर्शन जो है ये मेरा बी नहीं है, लेकिन बाकी पोर्शन ए बी हो सकता है, बाकी पोर्शन ए बी हो सकता है, तो थोड़ा सा पोर्शन मेरा ए जो है वो बी नहीं है। इसके अलावा जो बोर्ड पे लिखा हुआ था, लिखा हुआ था 100% ए आर बी 100% ए आर बी। तो अगर 100% लिखा है तो इसका मतलब ये ऑल के बारे में बात कर रहा है, मतलब ऑल ए आर बी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 99% या आपको 1% से लेके 99.99% तक, 1 to 99.99% तक, इसका मतलब होता है आपका सम। अगर लिखा रहे कि सम 99% ए आर बी, तो इसका मतलब हो गया सम ए आर बी। इसके बाद लिखा हुआ था 0%, तो 0% का मतलब होता है नो। अगर दे दे 0% ए आर बी, तो इसका मतलब हो गया नो ए आर बी। तो ए आर बी के बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होगा। तो ये था आपको इसका बेसिक था। अब हम आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि ये कैसे कैसे इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको कंक्लूजन लिख रहे हैं, और उसके बाद इसमें क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ओनली का जो आपका अभी तक का जो डॉट है वो सारा का सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम आपको ओनली के बारे में अभी पूरा का पूरा डिटेल से विस्तार से हम आपको समझाते हैं, एग्जांपल देके हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट में ओनली ए आर बी, इसके बाद था सम ए आर सी, सम ए आर सी, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका डायग्राम क्या होगा, ओनली ए आर बी, यहाँ पे ओनली का केस है, तो ओनली का केस में पता है ये रिवर्स हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे डायग्राम अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, बी सिर्फ किसका होगा तो ए का, बी पे ए को छोड़ के किसी का राइट नहीं है, और उसके बाद सम ए आर सी। तो यहाँ पे डायग्राम दे दीजिए आप, सम ए आर सी, ये पोर्शन मेरा क्या हुआ सम ए आर सी, मतलब ए सी के साथ ओवरलैप किया। तो इसमें देखिए आप इसमें बी जो है वो ए को छोड़ के किसी का नहीं हो सकता, बी कैन नॉट बी अदर एक्सेप्ट ए, बी ए को छोड़ के किसी का नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखिएगा। तो बी का बाकी के साथ क्या हो गया मेरा निगेटिव रिलेशन हो गया, बी का बाकी के साथ क्या हो गया निगेटिव रिलेशन हो गया। तो इसमें देखिए इसका कंक्लूजन में क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है वो आपको हम दिखाते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ओनली का जो भी कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला अगर यहाँ पे दे दे कि नो बी एज सी, पहला आपको कंक्लूजन है नो बी एज सी। हमने अभी आपको बोला कि बी सिर्फ किसका हो सकता है ए का, बी जो है वो किसका हो सकता है ए का, ए के अलावा बी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो जब बी पे ए के अलावा कोई क्लेम नहीं कर सकता है, इसका मतलब बी का क्या है कि बाकी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ जो है बी वो ए का हो सकता है, केवल बी ए का हो सकता है। तो बी पे ए को छोड़ के और किसी का राइट नहीं है, तो इसका मतलब बी बाकी के साथ में क्या है कट रिलेशन है। तो देखिए इधर नो का साइन नहीं है, ना कट रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इधर नो बी इज द सेम करेक्ट, क्योंकि बी पे सिर्फ ए का राइट है, ए बी को बी के पास में किसी को पहुंचने नहीं देगा। सेकेंड आपको देते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा रहे और ए बिंग और ए बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तो ध्यान से देखिएगा इसको,
ऑल ए बीन सी, तो ऑल ए बीन सी इज द पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पे ऑल ए बीन सी, लेकिन जैसे ही ए जाएगा वहां पे तो क्या होगा, बी को भी लेके जाना होगा। जैसे ही ए सी के पास पहुंचेगा तो बी को उसके साथ जाना होगा, लेकिन बी पहले बोल चुका है कि ए के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। बी जो है वो ए के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। तो जैसे ही आपने ए को सी के साथ पहुंचाएंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि बी को भी हमको लेके जाना होगा, क्योंकि पूरा पूरी बी क्या है, ए है। तो जब आप वहां पे लेके पहुंचेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट का ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो क्यों, तो इसमें बोला है कि बी सिर्फ ए का हो सकता है, लेकिन हमने क्या बोला कि ए यहाँ पे सी हो सकता है पॉसिबिलिटी में। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ए के साथ सी को पहुंचाया तो बी इसके भीतर में बैठा हुआ है, तो बी बोलेगा हम भी जाएंगे, उसको जाना ही होगा। तो बी का सी के साथ रिलेशन नो का रिलेशन है। तो ऑल ए बिंग सी यहाँ पे क्या होगा, ऑल ए बिंग सी जो आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, दिस इज द रॉन्ग, ये क्या होगा करेक्ट हो, ये क्या होगा मेरा गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो जैसे ही आपने ए को इसके साथ पहुंचाएंगे तो बी उसके भीतर में बैठा हुआ है, बी को भी लेके करी करना होगा, लेकिन बी का सी के साथ में नो का रिलेशन है। तो ऑल ए क्या होगा, सी कभी हो ही नहीं सकता है। एकदम ध्यान लगा के देखिएगा कि ऑल ए बीइंग सी इज द पॉसिबिलिटी, ये कभी नहीं होगा, ये मेरा गलत है। इसके बाद तीसरा नंबर कंक्लूजन में यहाँ पे दिया हुआ है सम बी आर नॉट सी। तो जब कोई बी सी हाई नहीं, एक नंबर कंक्लूजन में देखिए कि नो बी आर सी, अगर कोई बी सी हाई नहीं तो सम तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि कोई बी सी हाई नहीं, कोई बी सी नहीं है, तो सम तो उसी के सम करके तो पूरा ऑल बना है। तो नो बी इज द सी, तो जब नो बी सी है तो सम तो होगा ही नहीं, तो सम बी आर नॉट सी आपका ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद कंक्लूजन देता है, कंक्लूजन यहाँ पे दे रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट ऑल बी आर सी, इट इज possible that, it is possible that all B are C, it is possible that all B are C, ये भी गलत। क्यों गलत ये होगा, तो B के पास ये किसी को पहुंचने नहीं देगा, जब ये किसी को पहुंचने नहीं देगा तो B के साथ बाकी का possibility का relation हो या exactly का relation है, ये सारा का सारा यहाँ पे गलत है। उसके बाद next इसमें यहाँ पे conclusion है कि सम सी बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान लगा के देखिएगा, इधर बोर्ड पे ध्यान लगा के देखिएगा कि सम सी बिंग बी, बी का क्या है, सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पूरा का पूरा कट अप रिलेशन है। जब कट अप रिलेशन है, क्योंकि आपका कंक्लूजन ये कर रहा है कि नो बी इज द सी, तो सम सी बिंग बी, जब बी और सी का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो सम का रिलेशन हो पॉसिबिलिटी में या ऑल का हो, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन कर रहा है कि ऑल सी कैन बी बी, ऑल सी कैन बी बी, कैन बी बी। तो यहाँ पे ऑल सी कैन बी बी, बी के पास एक किसी को पहुंचने देगा ही नहीं, तो बी का तो बाकी के साथ मेरा खत्म रिलेशन है, तो ऑल सी कैन बी बी ये भी मेरा यहाँ पे गलत हो गया, ये भी मेरा यहाँ पे गलत हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे एक कंक्लूजन दे, अगर इसके बाद यहाँ पे एक कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर कोई कंक्लूजन दे कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो दिस इज द करेक्ट, क्योंकि आपका स्टेटमेंट ही कर रहा है कि ऑल बी आर ए। तो ओनली केस में इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखने के बाद आपका जो भी डॉट है वो पूरा का पूरा आपका डॉट जो है यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। इन सारे चीजों को आप एक बार देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके का ओनली को लेके जो आपका जो मन में डर है वो एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हम इसके बाद और दो एग्जांपल देके ओनली का आपको समझा रहे हैं, इसको अगर समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये ओनली का आपका जो है एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, हम आपको आज सोच के ही आए हैं कि ओनली के बारे में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, मतलब जितने भी डॉट है वो हम ओनली का आपको क्लियर करेंगे, इसीलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमने तैयार किया और आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे रहे कि ओनली ए आर बी, स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ है ओनली ए आर बी, सम ए आर सी, यहाँ पे दिया हुआ है सम ए आर सी। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर वन, ऑल सी कैन बी ए। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ए कैन बी सी।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ओनली ए और बी का मतलब आपको ही पता है कि ऑल बी आर ए, ये हम लोगों ने अभी इतना बार प्रैक्टिस किया कि अब कोई कंफ्यूजन हमको उम्मीद करते नहीं होगा। सम ए आर सी, देखिए सम ए आर सी, अब यहाँ पे बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब पूरा कट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नंबर, ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए, सी कैन बी ए, सी ए हो सकता है लेकिन ए सी नहीं हो सकता है, सी ए हो सकता है लेकिन ए सी नहीं हो सकता है, तो ऑल सी कैन बी ए, मेरा ये करेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा कि सी ए हो सकता है, कैन बी का मतलब क्या हो गया आपका पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब क्या हो गया पॉसिबिलिटी, तो सी जो है वो ए हो सकता है लेकिन सी कभी भी, सी जो है ए होगा, सी कभी भी बी नहीं होगा और ए कभी भी सी नहीं होगा। अब दिया है ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, ये आपका गलत है क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल में हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब ए यहाँ पे पहुंचेगा तो बी को भी कैच करना होगा और बी और सी का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, नो बी इज द सी, तो ऑल फिर यहाँ पे कैसे होगा, तो दो नंबर जो है मेरा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल में जा रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल में देखिए इससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तीसरा एग्जाम्पल इसमें कह रहा है, एग्जाम्पल को इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको किसी तरीके का कोई समस्या नहीं हो। तीसरा एग्जाम्पल बनाया गया यहाँ पे कि लिखा हुआ ओनली चेयर आर टेबल, ओनली चेयर आर टेबल, ओनली चेयर आर टेबल, सम चेयर आर बुक, सम चेयर आर बुक। अब देखिए इसमें कंक्लूजन, कंक्लूजन इसमें क्या क्या है, पहला कंक्लूजन सम बुक, सम बुक बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, सम बुक, सम बुक बीइंग टेबल, सम बुक बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। आपको दूसरा नंबर इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल बुक कैन बी चेयर, ऑल बुक कैन बी चेयर, कैन बी चेयर। और तीसरा नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑल चेयर कैन बी बुक, ऑल चेयर कैन बी बुक। ये आपको एक एग्जाम्पल, इसको अच्छा से समझिएगा तो उम्मीद करते हैं कि और एकदम पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ओनली चेयर आर टेबल, तो सबको पता है कि इधर ऑल टेबल आर चेयर। इसके बाद सम चेयर आर बुक, तो हमने यहाँ पे डाल दिया सम चेयर आर बुक। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि ओनली का कंसेप्ट एकदम पक्का क्लियर होगा, इसमें किसी तरीके का कोई कंजूसी नहीं है। सम बुक बिंग टेबल, सम बुक बिंग टेबल इज द पॉसिबिलिटी, सम बुक बिंग टेबल इज द पॉसिबिलिटी। बोलिए एकदम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेबल का बुक के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, नो का रिलेशन है, टेबल को चेयर अपने पास से नहीं छोड़ेगा, मतलब टेबल पे सिर्फ चेयर का अधिकार है, चेयर छोड़ के टेबल कुछ नहीं हो सकता है, तो बाकी टेबल का सारा जितने भी यहाँ पे आपको आइडेंटिटी है सबके साथ रिलेशन कटअप है, तो सम बुक बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो गया आपका गलत। ऑल बुक कैन बी चेयर, ऑल बुक कैन बी चेयर, ऑल बुक कैन बी चेयर, अभी तुरंत हमने आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड में बताया था, ये करेक्ट है, लेकिन अगर दे दे ऑल चेयर कैन बी बुक तो फिर ये नहीं होगा, फिर ऑल चेयर कैन बी बुक, देखिए नीचे में यही दिया हुआ है, ये मेरा नहीं होगा क्योंकि जैसे ही चेयर को ले जाइए तो टेबल को भी ले जाना होगा और टेबल और बुक का तो नो का रिलेशन है, तो ये इसमें होगा सिर्फ आपका ओनली टू, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद और एक लास्ट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इस लास्ट एग्जाम्पल में आपका एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, जो भी डॉट है वो एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चार नंबर एग्जाम्पल से ओनली का उम्मीद करते हैं कोई डॉट होगा ही नहीं चार नंबर एग्जाम्पल देने के बाद, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर लगे कि कहीं कोई डॉट है तो आप हमको यूट्यूब में कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अब इसमें क्या है कि एक चौथा नंबर एग्जाम्पल में हम आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट है ओनली डी आर जी, ओनली डी आर जी, नो डी इज पी, नो डी इज पी, सम पी आर आर, सम पी आर आर, सम आर आर एस, सम आर आर एस। अब पहुंचते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर में, कंक्लूजन नंबर वन ऑल ऑल एस
आर पी इज अ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। सेकेंड नंबर कंक्लूजन कर रहा है नो आर इज डी नो आर इज डी। थर्ड नंबर कर रहा है सम जी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी सम जी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। देखिए इसको क्लियर कीजिए। एकदम उम्मीद करते हैं कि ये एकदम बेस्ट वीडियो होगा ओनली के बारे में। उम्मीद करते हैं कि एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। ओनली डी आर जी तो सबको पता है आप लोगों को कि ऑल जी आर यहाँ हो गया आपका डी। नो डी इज पी मतलब डी का जो है पी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। नो डी इज पी पी को भी काट दिए डी को भी काटे तो जी तो ऑलरेडी कट ही है। सम पी आर आर सम पी आर आर सम आर आर एस सम आर आर एस ये हो गया मेरा डायग्राम। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर डायग्राम है यही मेरा डायग्राम। एक नंबर में चलिए एक नंबर में कर रहा है कि ऑल एस आर पी इज अ पॉसिबिलिटी ऑल एस आर पी इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्योंकि इसमें तो ओनली का रिलेशन है नहीं तो ये हो सकता है एकदम क्लियर है। नो आर इज डी नो आर इज डी देखिए इधर आर और डी का तो नो का रिलेशन कुछ बोला नहीं है कन्फर्म नहीं है तो फिर मेरा क्या होगा ये गलत होगा। तीन नंबर बोला है सम जी आर आर इज द पॉसिबिलिटी तो आप ही बोलिए कि जी जो है उसको डी क्या जाने देगा जी क्या उसको जी को डी क्या जाने देगा कहीं नहीं जाने देगा कहीं नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा तो जी पे सिर्फ डी का ही अधिकार है जी सिर्फ डी का ही हो सकता है इसके अलावा किसी का नहीं होगा वो। तो जब डी जी किसी का हो ही नहीं सकता है तो जी का पी आर एस के साथ तो कट रिलेशन कोरिलेशन ही नहीं है वो पॉसिबिलिटी हो चाहे एग्जैक्टली हो। तो सम जी आर आर इज द पॉसिबिलिटी सम जी आर आर इज द पॉसिबिलिटी तो सम रहे या ऑल रहे कहीं भी कुछ इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन इज द करेक्ट आंसर ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। तो अभी जो हम आपको ओनली के बारे में बताए उम्मीद करते हैं कि आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखिए अच्छे से समझिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के बीच में भी डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए। फिर हम कल एक नया वीडियो लेकर आपके सामने में सिलॉक्स का हाजिर होंगे।